महाराष्ट्र में बीजेपी से राहें अलग करने के बाद जब शिवसेना ने लोकसभा में नागरिकता संशोधन बिल पर केंद्र सरकार का साथ दिया तो सभी हैरान रह गए। सवाल उठने लगे कि आखिर शिवसेना के मन में चल क्या रहा है। मगर इन सब के बीच अब शिवसेना की तरफ से जो बयान सामने आया है उसने बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है। लोकसभा में नागरिकता संशोधन बिल पास कराने के बाद मोदी सरकार कल राज्यसभा में इस बिल को पेश करने जा रही है, जिसे लेकर सरकार आश्वस्त नजर आ रही है कि वो उच्च सदन में भी इस बिल को पास करा लेगी। सरकार को लग रहा था कि बीजेडी और जेडीयू के साथ साथ शिवसेना ने जिस तरह से लोकसभा में उसका साथ दिया था ठीक उसी तरह शिवसेना राज्यसभा में उसका साथ देगी। मगर अब शिवसेना ने अपना बचाव करते हुए सरकार के खिलाफ जाने के संकेत दे दिए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा है कि जब तक चीजें साफ नहीं हो जाती वो आगे इस बिल पर केंद्र सरकार का समर्थन नहीं करेंगे। उद्धव ठाकरे ने कहा कि जो शख्स सरकार की बात से असहमत होता है वो सरकार की नजरों में गलत हो जाता है, लेकिन ये उनका भ्रम है कि सिर्फ बीजेपी ही देश की परवाह करती है। हमने नागरिकता संशोधन बिल को लेकर सुझाव दिया है, हम चाहते हैं कि इसे राज्यसभा में गंभीरता से लिया जाए। क्या आखिर ये शरणार्थी कहाँ रहेंगे, किस राज्य में रहेंगे, यह सब स्पष्ट किया जाना चाहिए। जब तक नागरिकता बिल पर चीजें साफ नहीं हो जाती तब तक हम सपोर्ट नहीं करेंगे। अपने इस बयान से उद्धव ठाकरे ने जहां सरकार की चिंता बढ़ाई है तो वही अपने नए नवेले सहयोगियों को मनाने की कोशिश भी की है। दरअसल इस बिल के लोकसभा में समर्थन किए जाने के शिवसेना के कदम से कांग्रेस खासा नाराज है। ऐसे में डैमेज कंट्रोल करने में जुटी शिवसेना की कोशिश अब क्या रंग लाती है ये देखना होगा। डीवी लाइव की रिपोर्ट।